Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और भुजा एयर का एक विमान बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन तूफान में रनवे की ओर बढ़ने लगा। तभी इस प्लेन में हुआ एक अटैक, एक जोरदार झटका लगा। इस झटके ने सीधे प्लेन को धरती पर पटक दिया। आखिर ये किस तरह का अटैक था जिसने हवा में उड़ रहे विमान को भी रोक दिया और सीधे 90 डिग्री में नीचे धकेल दिया। आइए पता लगाते हैं पाकिस्तान में हुए दूसरे सबसे भयानक प्लेन हादसे की। अप्रैल 2012 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, भुजा एयर फ्लाइट 213 उड़ान की तैयारी कर रहा था। ग्राउंड क्रू फटाफट यात्रियों का सामान लोड करने लगे। प्लेन में 127 पैसेंजर्स धीरे धीरे सवार होने लगे। इन पैसेंजर्स की देखरेख के लिए 4 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। भुजा एयर का ये विमान आखिरी बार उड़ान भरा था सन 2000 में। इसके बाद इस कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी। पैसों की कमी के कारण इस प्लेन को 12 सालों तक ग्राउंडेड रखा गया। 12 सालों के बाद 20 अप्रैल 2012 में पहली बार ये उड़ान भर रहा था। इस प्लेन को 58 वर्षीय कैप्टन नूरुल्ला खान अफरीदी उड़ा रहे थे। वहीं 53 वर्षीय को पायलट जुनैद मलिक थे। फ्लाइट 213 को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। कुछ ही देर में ये टेक ऑफ करके इस्लामाबाद की ओर निकल पड़ा। मौसम खराब तो नहीं था, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते ये अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। तभी ATC का कॉल आया। उन्होंने कहा कि यहाँ तेज बारिश हो रही है, तूफान काफी तेज है, इसलिए यहाँ पर लैंडिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा कि अगर वेदर की प्रॉब्लम है तो हम इस प्लेन को डाइवर्ट करके पेशावर चलते हैं, वहाँ का मौसम साफ है। लेकिन कैप्टन ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। करीब 1 मिनट उड़ान भरने के बाद प्लेन के डिस्प्ले में भी शो करने लगा कि आगे तूफान है। प्लेन अब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। इस डिस्प्ले के ग्रीन एरिया में प्लेन उड़ाया जा सकता है, जबकि पीले वाले भाग में प्लेन उड़ तो सकता है लेकिन टर्बुलेंस होने लगेगा, और ये रेड जैसा जो हमें दिख रहा है, भाई इससे तो प्लेन को दूर रखना ही सही होता है। जहाँ कहीं भी पायलट को ऐसा तूफान दिखाई देता है, पायलट्स हमेशा इससे बचते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लाइट 213 के केस में ऐसा नहीं था। ये प्लेन सीधे उस भयानक तूफान की ओर बढ़ रहा था और कैप्टन ने सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफिसर मलिक ने कहा कि आगे तूफान है, हम प्लेन को तूफान के अंदर नहीं जाने दे सकते। इस डिस्प्ले में देखिए, जल्द ही हम तूफान में घुस जाएंगे। लेकिन बार बार फर्स्ट ऑफिसर के कहने के बावजूद भी कैप्टन खामोश रहा और ATC को कॉल करके कहा कि हम कंफर्टेबल है लैंड करने के लिए, हमें लैंडिंग करने के लिए परमिशन चाहिए। धीरे धीरे ये प्लेन हिलना शुरू हो गया। एक बार फिर से फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर हमें लैंडिंग को रोकना पड़ेगा। कैप्टन अफरीदी ने गुस्से से कहा, ये प्लेन इस्लामाबाद में ही उतरेगा चाहे मौसम कैसा भी हो। इसके बाद उसने एक अनाउंसमेंट किया कि सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट बेल्ट बांध ले, प्लेन में तेज टर्बुलेंस होने वाला है। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, ठीक है सर, अगर हमें यहीं पर लैंड करना है तो हमें तूफान से बचने के लिए थोड़ा सा राइट से होकर जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट की ओर भयंकर तूफान है। अब प्लेन करीब 5000 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट्स के पास लैंडिंग चेकलिस्ट होता है, जिसमें लैंडिंग के सारे प्रोसीजर्स को लिखा होता है ताकि कोई भी कंट्रोल को पायलट मिस ना कर दे। लेकिन इस लैंडिंग चेकलिस्ट को भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब प्लेन में ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल को ऑन कर दिया गया। इसके बाद ये प्लेन ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लिए निकल पड़ा। ये ILS प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इस ILS के जरिए घने कोहरे में जब आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तब भी प्लेन्स को आसानी से लैंड कराया जा सकता है। कैप्टन इसी ILS की मदद से इस तूफान में भी प्लेन को लैंड कराना चाह रहे थे। ऑटो पायलट इसी ILS की मदद से प्लेन को नीचे ला रहा था। वहीं ऑटो थ्रोटल प्लेन के थ्रस्ट लीवर को जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा था।
इस ऑटो पायलट आईएलएस ऑटो थ्रोटल और खुदा के भरोसे प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक आता गया। प्लेन में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस भी होना शुरू हो गया। तभी एटीसी ने फिर से कॉल किया और कहा कि तूफान एयरपोर्ट के बेहद नजदीक है और बेहद कम ऊंचाई पर है, ऊपर से तेज बिजली भी कड़क रही है। कैप्टन ने लैंडिंग को जारी रखा। एटीसी भी थक हार कर प्लेन को लैंडिंग कराने का परमिशन दे दिया। अब प्लेन करीब 3000 फीट के एल्टीट्यूड में उस तूफान के अंदर घुस गया। प्लेन के ऊपर तेज हवा और पानी की बौछार होने लगी, जिससे प्लेन का नोज अचानक से नीचे हो गया। पर अच्छी बात ये थी कि प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, इसलिए ऑटो पायलट ने प्लेन के नोज को वापस से ऊपर उठा दिया। इसी दौरान GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म बजने लगा। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन ग्राउंड के बेहद नजदीक आ चुका है। ये सब कुछ देखते हुए कोपायलट ने एक बार फिर से कहा कि सर गो अराउंड करते हैं, लेकिन इस बार भी कैप्टन तैयार नहीं हुआ। तूफानी हवा की वजह से प्लेन का स्पीड लगभग 160 नॉट से भी कम हो गया। प्लेन बेहद कम स्पीड में फ्लाई कर रहा था। यहाँ पर कैप्टन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पर कॉकपिट में एक और अलार्म बजने लगा, TAWS यानी कि ट्रेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम। बेसिकली ये लास्ट वार्निंग होता है और ये ग्राउंड से टकराने से पहले बजने लगता है। किसी तरह से कैप्टन अब तक प्लेन को कंट्रोल करने में सफल रहा, पर तेज हवाएं प्लेन से टकरा रही थी। तभी एक और तेज तूफान का झोंका आया और सीधे प्लेन पर अटैक किया। ये तूफान इतना तेज था कि इतने बड़े विशालकाय प्लेन को सीधे जमीन पर पटक दिया, वो भी सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर ही। रनवे से महज 7.5 किलोमीटर की दूरी पर ये प्लेन चूर चूर हो गया। ये तूफान कितना भयानक था, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मलबा क्रेश साइट से 2 किलोमीटर दूर तक चला गया। एयरपोर्ट को 3 घंटों के लिए क्लोज कर दिया गया और एक रेस्क्यू टीम क्रेश साइट पर पहुंच गई, इस उम्मीद से कि शायद कोई जिंदा बचा हो। लेकिन प्लेन के मजबूत मेटल के इतने टुकड़े को देखकर जल्द ही उन्हें भी ये अंदाजा हो गया कि प्लेन में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा होगा। फाइनली कुछ घंटों के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा देखने को मिला पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने भूजा एयर को बैन कर दिया। इसके जो ओनर थे उसे भी पाकिस्तान से बाहर जाने से बैन कर दिया। उधर पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने विक्टिम के परिवार वालों से पैसे लेना शुरू कर दिया कि भाई मैंने हॉस्पिटल में डेड बॉडीज का DNA करवाया, बॉडी को आइडेंटिफाई कराया, इसके बाद सबको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ला रहा हूँ, इसलिए खर्चा तो देना पड़ेगा, बॉडी तभी मिलेगी जब पैसे दोगे। बहुत सारे मारे गए यात्रियों के रिलेटिव से पैसे लिए गए। इस बात पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद अगले दिन फिर से एक ऑर्डर दिया गया कि ठीक है अब हम पैसे नहीं लेंगे और जिसका भी पैसा लिया जा चुका है उसे रिफंड कर दिया जाएगा। घटना के 2 दिन बाद ही एक और प्लेन हादसा हो जाता है ठीक उसी एयरपोर्ट में, पर इस बार किस्मत अच्छी थी। इस हादसे में किसी को भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्लेन का टायर बुरी तरह से रगड़ खाकर ब्लास्ट हो गया। ये सब कुछ देखते हुए कई सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान के सभी प्राइवेट प्लेन्स को बैन कर दिया, यानी कि अब कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन किसी दूसरे कंट्री में दाखिल नहीं हो सकता था। हालांकि दूसरे कंट्री का प्लेन आराम से पाकिस्तान में जाकर यात्रियों को लेकर आ सकता था। पाकिस्तान में हालत काफी गंभीर हो चुकी थी, पूरी दुनिया पाकिस्तानी प्लेन को अनसेफ मान रही थी और खुद पाकिस्तान के लोग एयरलाइन कंपनीज पर गुस्सा निकाल रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए भूजा एयर के मालिक ने कहा कि फ्लाइट 213 में जितने भी लोग मारे गए उन सभी को मैं 5 लाख दूंगा। अगर हम इस 5 लाख पाकिस्तानी रुपए को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो होता है करीब 1,45,000 यानी कि 1.5 लाख से भी कम। एक एयरलाइन कंपनी आसानी से इतने रुपए दे सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भूजा एयर के केस में ऐसा नहीं था। आपको याद होगा ये एयरलाइन कंपनी पिछले 12 सालों से बंद थी, सारे प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया गया था पैसों की कमी के कारण, और ये फ्लाइट जो क्रैश हो गया वो 12 साल बाद पहली बार उड़ान भरा था, यानी कि इस प्लेन ने एक भी पाकिस्तानी रुपए नहीं कमाया। इस 12 साल के दरमियान में
जाहिर सी बात है भोजा एयर के मालिक ने ये बोल तो दिया कि सभी लोगों को 5 लाख दिया जाएगा, पर 127 लोगों को 5-5 लाख देना ये भोजा एयर के लिए काफी मुश्किल होती जा रही थी। फाइनली 10 दिन गुजर गया। अब लोग इंतजार करते करते थक चुके थे, इसलिए घटना के 10 दिन बाद भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर गए। भोजा एयर के ऑफिस में लोगों ने धरना दे दिया। उधर इन्वेस्टिगेशन के टीम एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज लोगों के सामने रख रही थी। जांच से ये पता चला कि इस एयरलाइन कंपनी के पास सिर्फ 3 ही प्लेन्स था, जिसमें से एक क्रैश हो गया और दूसरे प्लेन की हालत इतनी खराब थी कि वो कभी भी क्रैश हो सकता था। वहीं तीसरा प्लेन थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। नॉर्मली इन छोटी छोटी बातों पर आम जनता गौर नहीं करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, इसलिए एक छोटी सी न्यूज भी भोजा एयर के लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का कारण बन रहा था। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे देश में पाकिस्तानी एविएशन का काला सच दुनिया के सामने आने लगा। फाइनली पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। भोजा एयर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का नोटिस दिया गया। वहीं धरना दे रहे लोगों को, जिन्हें कहा गया था कि 5-5 लाख मिलेगा, उन लोगों को एक चवन्नी भी नहीं मिली। फाइनली 28 अप्रैल 2012 को भोजा एयर को लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इस तरह से भोजा एयर का ये सफर यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फ्लाइट 213 का इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रहा था, लेकिन इस बार के इन्वेस्टिगेशन में बोइंग की टीम भी शामिल थी। उन्होंने देखा कि भोजा एयर के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स पास्ट में हो चुकी है। कभी ये क्रैश लैंडिंग किया, तो कभी इसका टायर ब्लास्ट हो गया, तो कभी इंजन फेलियर हो गया। जो प्लेन्स उड़ने के काबिल भी नहीं था, वो प्लेन्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के सेफ्टी एविएशन डिपार्टमेंट ने किसी का भी लाइसेंस रद्द नहीं किया पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। इवन भोजा एयर के जो मेंटेनेंस इंजीनियर थे, वो भी मेंटेनेंस के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। इवन पायलट्स के ट्रेनिंग में भी बहुत सारी कमी दिखाई दिया। ज्यादातर पायलट्स को तो ये पता ही नहीं कि किस सिचुएशन में प्लेन के कौन से कंट्रोल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सब देखते हुए बोइंग की टीम तो एकदम हिल गई कि भाई यहाँ पर ये सब आखिर चल क्या रहा है। बोइंग की टीम को हर तरफ बस लूप होल्स ही दिखाई दिया, इसलिए पाकिस्तान के सभी प्लेन्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इस हादसे के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक था वेदर कंडीशन। मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उस दिन इस्लामाबाद में मौसम बहुत ही खराब थी, इतनी खराब कि प्लेन को लैंड कराना खतरों से खाली नहीं था। यही वजह है कि बार बार ATC ये सजेस्ट करता रहा कि यहाँ पर मौसम सही नहीं है, लेकिन कैप्टन ने एक भी नहीं सुना। खुदा सब ठीक कर देगा, ये कहकर वो तूफान में प्रवेश कर गया और यहाँ पर हुआ एक अटैक। ये अटैक किसी टेररिस्ट ने नहीं बल्कि कुदरत ने किया था। इसे हम माइक्रोबस्ट के नाम से जानते हैं। इस नेचुरल अटैक को हम माइक्रोबस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे माइक्रोबस्ट विशालकाय काले बादलों में होता है। जब ये धरती के बेहद नजदीक आ जाते हैं, इस क्लाउड से तेज हवाएं निकलती है और सीधे धरती से टकराती है। टकराने के बाद वापस से ये ऊपर उठती है और घूमते हुए फिर से ऊपर की ओर उठ जाती है। इसे हम ड्राई माइक्रोबस्ट कहते हैं। अगर ऐसे में कोई प्लेन लैंडिंग करने की कोशिश करता है तो ये तेज हवाएं प्लेन से टकराएगी और अचानक से प्लेन का स्पीड कम हो जाएगा, इतना कम कि वो उड़ना ही बंद कर दे। वैसे भी लैंडिंग के वक्त प्लेन अपने मिनिमम स्पीड में होता है। सपोज अगर प्लेन यहाँ से आगे भी निकल आता है तो वो सेंटर में जाकर पहुँचेगा, जहाँ से सीधे 90 डिग्री में तेज हवाएं प्लेन को नीचे की ओर धकेल देगी। अगर यहाँ से भी प्लेन आगे निकल जाता है तो अचानक से प्लेन का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा प्लेन को आगे की ओर धकेल देगी। इतने सारे अटैक के बाद शायद ही कोई प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाए। ऐसे केस में प्लेन्स आसानी से ग्लाइड स्लोप से भटककर क्रैश हो सकता है। भोजा एयर के केस में ये माइक्रोबर्स्ट 10 गुना अधिक खतरनाक था, क्योंकि उस बादल में से न सिर्फ हवा बल्कि पानी भी बाहर आ रही थी। ये पानी किसी बारिश के पानी के जैसा नहीं था, बल्कि मोटे पाइप से निकल रहे पानी के जैसा था, जो कि लगभग 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकल रही थी। इतने स्पीड से गिर रहे पानी के नीचे चींटी जैसा कोई प्लेन आ जाए तो वो
कहां पर जाकर गिरेगा खोजना भी मुश्किल हो सकता है। प्लेन कभी भी इस तरह के माइक्रोबर्स्ट का शिकार ना हो, इसके लिए प्लेन में वेदर रडार होता है। ये रडार बादलों के डेंसिटी को डिटेक्ट कर लेता है और डिस्प्ले में रेड और पर्पल कलर से शो करने लगता है। भुजा एयर के कैप्टन ने इस रडार पर भरोसा ना करके खुदा के भरोसे जानबूझकर प्लेन को माइक्रोबर्स्ट के अंदर ले गया और फिर हुआ एक धमाका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वेदर रडार लेस एक्यूरेसी से काम कर रहा था प्लेन के वेदर रडार के कंपैरिजन में। प्लेन बादल के करीब था, पायलट अपनी आंखों से भी देख सकते थे, इसलिए पायलट्स बेटर आइडिया लगा सकते थे कि इस एयरपोर्ट में लैंड करना है या नहीं। इसलिए एटीसी ने पायलट्स पर ही छोड़ दिया, बस उसे अपना सजेशन दिया कि मौसम खराब है, बाकी लैंडिंग करना या ना करना आपकी मर्जी। यहाँ पर कैप्टन ने बहुत सारे रूल्स को तोड़ा। बोइंग के ऑपरेशन मैनुअल में ये साफ साफ लिखा है कि जब कभी भी प्लेन ऐसे माइक्रोबर्स्ट में फंस जाए तो सबसे पहले प्लेन के ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल को ऑफ करना चाहिए। इसके बाद थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम करके प्लेन के नोज को ऑलमोस्ट 20 डिग्री ऊपर करके जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करीब 3 सालों तक चलता रहा और 21 जनवरी 2015 को फाइनल रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें प्लेन क्रैश का कारण पायलट एरर, वेदर कंडीशन और सेफ्टी मैनेजमेंट में बहुत बड़े कारण को दर्शाया गया। इनफैक्ट रिपोर्ट के कुछ साल बाद एक बहुत बड़े तादाद में पायलट स्कैम देखा गया, जहां सैकड़ों पायलट के पास फेक लाइसेंस मिला। पाकिस्तान एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने खुद कहा कि हमारे पाकिस्तान में करीब 800 पायलट है और सभी की जांच करने पर यह पता चला कि इन 800 पायलट्स में से 250 पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है और इस 250 पायलट्स में से 140 पायलट्स तो सिर्फ PIA के पायलट हैं। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे ऐसे प्लेन क्रैश हो चुका है जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। आगे चल के 188 कंट्रीज ने पाकिस्तान के सभी एयरलाइन कंपनी को बैन कर दिया। तो फिलहाल भुजा एयर के केस में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।